नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्धमान कांकरिया पूना में एशियन आई हॉस्पिटल का नेत्र विशेषज्ञ हूं और मैं आपसे आज बात करूंगा कंप्यूटर और मोबाइल फोन से होने वाले आंखों पे हानि के बारे में, जिसे हम सारे जानते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल विजन सिंड्रोम के नाम से। दोस्तों, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आज दुनिया में बहुत कॉमन हो चुका है। अमेरिकन ऑफ्थाल्मिक एसोसिएशन ने बताया है कि जिन लोगों में कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग है दिन में 2 घंटे से ज्यादा होता है, उनमें से 70% से ज्यादा लोगों को आंखों में कंप्यूटर के वजह से हानि होती है, और इस चीज को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में होता क्या है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आंखों में काफी परेशानियां होती है, उसमें आंखों से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में हमेशा थकावट लगना, आंखों का जो हम लोग स्पष्ट रूप देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि विजन ब्लरी हो जाना, उसी के साथ में रात में ग्लेयर होना, हमेशा सरदर्द रहना, और हम कभी भी जब कंप्यूटर में बात करते हैं, कंप्यूटर पे जब हम लोग काम करते हैं, तो एक प्रकार का कंसंट्रेशन या फोकस हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। हमारी आंखों में हमेशा ड्राइनेस रहता है, कभी बर्निंग सेंसेशन आता है, और हमेशा आंखों में जो हम लोग कहेंगे कि रात में बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, ये सारी की सारी बातें ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या मोबाइल विजन सिंड्रोम, जिसे डिजिटल विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है, इसके वजह से होती है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्यों होता है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने के प्रमुख दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम करते हैं, तब नेचुरली हमारा जो ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स होता है, जो हर मिनट में 15 से 20 बार होना चाहिए, ये कम से कम 50% तक आ जाता है। क्योंकि हमारा ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक कम हो जाता है, उसी के साथ में हमारे टीयर फिल्म का इवेपरेशन या बाष्पीभवन होता जाता है, और उसी के वजह से आंखों में ड्राइनेस आता है। आंखों में ड्राइनेस होने के कारण हमें आंखों में गर्माहट लगना, बर्निंग होना, उसी के साथ में आंखों के सामने जो विजन है वो थोड़ा ब्लरी हो जाना, आंखों में हमेशा थकावट लगना, ये बातें नेचुरली उस ड्राइनेस के वजह से होती है। जब हम लोगों का ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है, तो आंखों में स्ट्रेन बढ़ता है, उसी के साथ में जो बाकी की चीज़ें होती है जो आंखों के स्ट्रेन के संबंधित होती है, जैसे कंटिन्यूसली हेडेक होना, ये भी उसी के कारण होता है। स्पेशली अभी के जो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स है, अभी सभी को पता है कि जो एक प्रकार का ब्लू लाइट एमिट करते हैं, और ये ब्लू लाइट हमारे आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ब्लू लाइट के वजह से आंखों में स्ट्रेन हमेशा होता है और आंखों में काफ़ी हद तक थकावट आ जाती है। तो इन सब कारणों के वजह से हमारी आंखों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कंप्यूटर के वापस से होता है। कंप्यूटर के इस्तेमाल के साथ में जो हमारा सराउंडिंग होता है, जैसे हम कहेंगे ये जो लाइट आप रूम में देख रहे हैं, तो अगर लाइटिंग आपके रूम की अच्छी नहीं है, अगर बहुत डिम लाइट में आप काम कर रहे हैं, या फिर आपकी जो रूम की लाइट है वो डायरेक्टली मॉनिटर पे जाके शाइन होके आपके पास आ रही है, तभी भी आपके आंखों में काफ़ी हद तक ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इस बात के बारे में कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि कंप्यूटर ये हमारे पूरे लाइफ का एक अविभाज्य भाग बन गया है। मोबाइल फोन शायद से काफ़ी लोग कंप्यूटर से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर हम लोग उनसे कहेंगे कि आप कंप्यूटर का उपयोग कम करें या फिर मोबाइल का उपयोग कम कर दें, तो वो शायद से प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन उसके उपयोग के साथ में अगर आप आपके आंखों की ठीक से आप उसके बारे में कोई केयर ले सकते हैं कि जिसके वजह से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आपको ना हो, तो इससे आपको डेफिनेटली काफ़ी हद तक फायदा हो सकता है। तो तीन बातें हैं जो हमारे आंखों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि हमें जानबूझ के या कॉन्सेंट्रेट करके ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स खुद का कॉन्शियसली बढ़ाना है। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल पर काम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना है कि हमें ज़्यादा ब्लिंक करना ज़रूरी है। दूसरी बात इस बारे में बहुत ज़रूरी है कि इसे रूल ऑफ 20 कहा जाता है। ये शायद से इस पूरे सीरीज़ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसे कहा जाता है 20-20-20 रूल। तो 20-20-20 रूल के हिसाब से हर 20 मिनट कंप्यूटर काम करने के बाद में आपको 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। आपको 20 फीट दूर देख के 20 बार आंखों को ब्लिंक करना है।
तो इसे कहा जाता है 20-20-20 रूल, कि जिसके वजह से आपके आंखों को जो रेस्ट मिलनी चाहिए बीच में वो जरूरी मिल जाती है। ये 20-20-20 रूल फॉलो करने के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर कंपनियों ने सॉफ्टवेयर भी बनाया, कि जिसके वजह से आपके खुद के कंप्यूटर पे बेसिकली इसका एक पॉपअप विंडो आता है, और पॉपअप विंडो के साथ में आपको याद आता है कि अभी यहाँ पे ब्रेक लेना जरूरी है। इसी के साथ में हमें ये भी जरूरी है कि आंखों की ठीक से ख्याल रखने के लिए हमें ब्लू ब्लॉकिंग या कंप्यूटर ग्लासेस का उपयोग करना है। हमने जैसे देखा था कि मोबाइल फोन या कंप्यूटर से हमारे आंखों में जो ब्लू लाइट का एमिशन होता है उसके वजह से आंखों में काफी स्ट्रेन होता है। अगर आप ब्लू लाइट ब्लॉकिंग चश्मे का इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रेन आपके आंखों में काफी हद तक कम हो सकता है। आपके आंखों में आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके आंखों को आपको बंद करना है, और आंखें बंद करने के बाद में एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज आंखों को अंदर ही घुमाना है। उसी के साथ में जो हमारी आंखों के सारे मसल होते हैं जो हमें हर जगह पे देखने के लिए मदद करते हैं, तो ये मसल्स का भी काफी हद तक अच्छी एक्सरसाइज होती है। अभी आंखों के बारे में देखने के बाद हमें ये भी जरूरी है कि हमें कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में भी कुछ चेंजेस ऐसे करना है कि जिसके वजह से हमारी आंखों में स्ट्रेन ना आए। तो आंखों के बाद में अभी ये जरूरी है हमें देखने के लिए कि कंप्यूटर में हम लोग या मोबाइल फोन में हम लोग ऐसे कोई चेंजेस करवाए कि जिसके वजह से हमारे आंखों का स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने का पॉसिबिलिटी कम हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये है आपके कंप्यूटर के मॉनिटर के बारे में। आपके कंप्यूटर का जो सेंटर होता है ये सेंटर आपके आंखों के लेवल के 6 या 8 इंच कम नीचे की तरफ होना चाहिए। उसी के साथ में ये काफी जरूरी है कि जो कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं ये कंप्यूटर लगभग 8 से 10 इंच तक आपसे दूर होना चाहिए। आपका जो कंप्यूटर है इसका मॉनिटर 15 डिग्री पीछे की तरफ टिल्टेड होना चाहिए, वो आगे की तरफ टिल्टेड नहीं होना चाहिए, काफी जरूरी है। इसके वजह से हमारा जो विजुअल एंगल हम लोग कहते हैं तो विजुअल एंगल हमें काफी अच्छी तरह से मिलता है। कंप्यूटर का स्क्रीन हमेशा इनफ ब्राइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस उसमें ना हो, और जो कॉन्ट्रास्ट है वो जितना अच्छा आप रख पाए उतना बेहतर है। अगर आप लाइट कलर के स्क्रीन पे डार्क कलर के फॉन्ट यूज करें तो वो आपके लिए डेफिनेटली ज्यादा बेहतर होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ में ये भी जरूरी है कि मोबाइल का जो आपका स्क्रीन है उसका भी आप ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने कही है ये ठीक से रखें। ब्राइटनेस उसमें बहुत ज़्यादा ना रखें, उसमें कॉन्ट्रास्ट आप जितना अच्छा रख सके उतना रखें। और अभी आजकल कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में भी ब्लू ब्लॉकिंग या ब्लू फिल्टर स्क्रीन भी आती है, कि जिसमें एक फीचर होता है कि जिसमें आप लोग ब्लू फिल्टर ऑन कर सकते हैं, और उसी के साथ में आपकी आंखों का जो स्ट्रेन है ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करते हैं तो फॉन्ट साइज जो हमारी होती है अक्षरों की, ये भी बहुत जरूरी होती है। तो जिस फॉन्ट साइज पे हम लोग हमेशा काम करते हैं ये फॉन्ट साइज इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा रेगुलर डिस्टेंस है जिससे हम लोग काम करते हैं उसके अगर 3 गुना हम लोग दूर जाके भी कंप्यूटर के पास देखें तो हमें जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे। तो इतना बड़ा फॉन्ट साइज आपके कंप्यूटर का हमेशा होना चाहिए, ये काफी जरूरी है। जो कीबोर्ड है जिसके साथ आप काम करते हैं ये कीबोर्ड हमेशा आपके एल्बो के लेवल के नीचे होना चाहिए, नहीं तो आपके एल्बो में कार्पल टनल सिंड्रोम या फिर रिस्ट के अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके एल्बो में और आपके रिस्ट में होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी के साथ में जैसे मैंने आपसे कहा है कि जो आपकी आजू बाजू में रूम लाइटिंग है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आजू बाजू की रूम लाइटिंग इनफ ब्राइट हो, लेकिन जो लाइट है वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर ना जाए और स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होके आपके ऊपर ना आए, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो दोस्तों हमें सभी को कंप्यूटर का और मोबाइल का उपयोग सदियों उपयोग करना है, लेकिन ये सदउपयोग करने के साथ में हमें हमेशा हमारी आंखों का भी ठीक से ख्याल रखना है, जिसके वजह से हमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, मोबाइल विजन सिंड्रोम या डिजिटल विजन सिंड्रोम का शिकार ना होना पड़े। धन्यवाद। मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. यापुढेही जर आपले आरोग्य विषयक काही प्रश्न, शंका, सूचना किंवा अभिप्राय असतील तर या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा, आणि त्याचबरोबर या व्हिडिओला लाईक शेअर जरूर करा, आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला, त्याचबरोबर बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.